हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक से चलाया जा रहा है। इससे पहले 1 से 14 तक का ऑलरेडी सेट अपलोडेड है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बिहार दरोगा मेंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में सारे बिहार दरोगा से रिलेटेड वीडियोज पड़े हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री से ज्योग्राफी ये सब पॉलिटी का और वीडियो देखने चाहते हैं तो वो अलग से फोल्डर बन के आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर ले सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम अलकनंदा नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी अलकापुरी से है। ठीक है, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी पर स्थित है। देखिए, नदी से भी और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा। कुछ कुछ जो शहर हैं उनके आपको याद रखने होंगे कि ये कौन कौन से, जैसे कि हो गया लखनऊ गोमती नदी पर, अहमदाबाद साबरमती नदी पर, अयोध्या सरयू नदी पर, जमशेदपुर सोनरेखा नदी पर। तो ये सब जो कुछ बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम आपको किस नदी के तट पर स्थित हैं वो आपको याद रखने होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा हुआ था? तो इसका जो सही है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सागरीय प्रक्रम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपटाउन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी का विधायकी कार्यों का भी संचालन केपटाउन से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो DCM ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। देखिए, ट्रॉफी और खेल से भी रिलेटेड सब कुछ याद रखिएगा। जैसे कोपा कप, तो कोपा कप का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से ही है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये आप लोग सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय उगाया जाता है। ठीक है, और भारत में अगर सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन होता है वो आसाम में होता है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, काली मिट्टी ब्लैंक उगाने के लिए बहुत उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर होगा, काली मिट्टी जो होता है वो कपास उगाने के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, और इसीलिए जो काली मिट्टी है उसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ काली मिट्टी से एक और चीज़ याद रखिएगा, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में होता क्या है कि जल एब्जॉर्ब करने की, मतलब जलाधारण की जो उसकी क्षमता होती है वो अधिक होती है, और इसी के कारण कपास के जो रेशे होते हैं वो लंबे और मजबूत बनते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए मुंगेर का करता ही है, बेगूसराय करता ही है, भागलपुर करता ही है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बिहार के कुछ शहर के नाम याद रखिएगा जो कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जैसे कि हो गया पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, कुछ जो कंफ्यूज होने वाले शहर हैं वो याद रखिएगा, जैसे हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो तीनों है ये तीनों गंडक नदी पर है, ना कि गंगा नदी पर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1347 में, और किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा हुआ था। ठीक है, हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी, और बहमनी राज की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। ठीक है, कहाँ थी? गुलबर्गा थी। ठीक है, हसन गंगू से एक और चीज़ क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हसन गंगू बहमनी राज के सिंहासन पर किस नाम से बैठा था? तो वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से वो बैठा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर टेन
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिर्जा गालिब किसके समय में थे, तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिर्जा गालिब आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या थे, एक महान शायर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा था। ठीक है, और ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अकबर के समय को क्या बोला जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सुगौली की संधि कब हुई थी, तो सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, अप्रैल 1816, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और सुगौली की संधि हुई थी किसके किसके बीच, अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, एक अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था 1814 में, जो कि खत्म हुआ था यही सुगौली की संधि के द्वारा 1816 में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बाद सपाती पुरस्कार ब्लैंक द्वारा दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत में किसी लेखक को दिया जाता है ये बाद सपाती पुरस्कार, और इसकी शुरुआत की गई थी 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में बिहार का स्थान अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो 13वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं, तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय गान से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान जो था वो सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो भारतीय संसद का जो अधिवेशन होता है उसका प्रारंभ होता है जन गण मन के साथ, और जो समापन होता है वो वंदे मातरम के साथ होता है। ठीक है, ये पता ही होगा राष्ट्रीय गान से कि इसमें 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में, और इसको 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और इसको सबसे पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पालघाट दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पालघाट दर्रा की अगर बात करते हैं तो ये 530 मीटर ऊंचाई पर कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। ठीक है, अगर और ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम थालघाट दर्रा की बात करते हैं तो थालघाट दर्रा जो है वो नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है, और अगर भोरघाट दर्रा की बात करते हैं तो भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक युकिया अमानो जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन से देश के थे, तो वो जापान के थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। IAEA के बात करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है डोडा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, डोडा बेटा की ऊंचाई लगभग 2637 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात महेंद्र गिरी की कर लेते हैं तो महेंद्र गिरी जो है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल क्या है, तो समाप्ति स्थल इसका क्या है, ले है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A से याद रखिएगा कि इसी में जवाहर सुरंग भी स्थित है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग संख्या 1A है, यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्रों में स्थित है और लेह को बारामाला से जोड़ता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसका नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा, इसका नाम है त्रिपुरा जो है वो क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से की सीमा से और अगर सटीय भारत के राज्य की बात करते हैं तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, ये सब राज्य क्या है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की, तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो टोटल 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, जो कि
क्या है, मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज़्यादा भारत अगर किसी के साथ करता है तो वो बांग्लादेश से ही करता है, ठीक है। और सबसे मिनिमम की अगर हम बात करें, सबसे कम, तो वो हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है पोंडजोल क्या है। तो पोंडजोल क्या है, ये कोंधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली एक मिट्टी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोंडजोल बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कह रहा है 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था। आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्या हुआ था कि प्रांतों में जो दौड़ शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 के शासन अधिनियम से, और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया था। मतलब प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में स्वतंत्र शासन की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कह रहा है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में इसीलिए भेजा था कि देखिए इसका मतलब मेनली उसका जो भेजने का मकसद था जो था, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन मेनली ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का एक असफल प्रयास रहा था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्ति हेतु क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, और कब, 23 मार्च 1942 को सर स्टॉफर्ड क्रिस्प के नेतृत्व में इसको भारत भेजा गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45 में किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगर देखिए यहाँ पे और नीति निदेशक तत्व की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नीति निदेशक तत्व से अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जनरली अनुच्छेद किससे कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक है, ठीक है, 36 से लेके 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के ब्लैंक पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब आखिर अगर बात आती है कि उत्प्लावन बल होता क्या है, द्रव का एक ऐसा गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर से एक बल लगता है उसी उत्क्षेप या फिर उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग पढ़े होंगे आर्कमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पानी H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो पानी का अगर हम सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो वो कितना होता है, 18.01 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। तो 18.01 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है। तो MgCl2 में कौन विलय है, जल विलय है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द्विभाजन यानी द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो अमीबा का प्रजनन जो होता है वो द्विविभाजन द्विविखंडन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पूरा ग्रंथि से होने वाला श्राव ब्लैंक में प्रवेश करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ये जो प्रोस्टेट होता है मतलब प्रोस्टेट जिसको बोला जाता है, यह क्या है, यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय का संबंध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक सोलर सेल किससे बना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिलिकॉन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और अगर विस्थापन की बात आती है कि विस्थापन किसको कहा जाता है, तो वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी हुई होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। त्वचा से आप लोगों को पता होगा कि त्वचा जो होता है वो क्या होता है, हमारी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, और त्वचा ताप नियंत्रण में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है
आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है वो एकमात्र गैर धातु है जो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। देखिए अगर हम बात आवर्त सारणी की करते हैं तो प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य जो होगा वो क्षार धातु और अंतिम सदस्य जो होगा वो कोई निष्क्रिय गैस रहता है, लेकिन पहले आवर्त का प्रथम सदस्य कौन है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी से एक और चीज याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्व का जो धातुई गुण होता है वो कम होता है और उसका जो अधातुए मतलब नॉन मेटालिक जो नेचर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्व का धातुई गुण में वृद्धि होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एल्युमिनियम निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का होता है 11, तो इसका हो जाएगा 28 और 1। आर्गन की अगर हम बात करते हैं तो आर्गन का कितना होता है? आर्गन का होगा 28 और 8। ठीक है, और अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, तो इसका हो जाएगा 282। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? दलहन। दलहन क्या है? एक फलीदार फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। दलहन को अगर ऐसे देखा जाए तो दलहन को हम लोग रबी फसल में भी रखते हैं। दलहन क्या है? एक रबी फसल है। दलहन से याद रखिएगा कि पीली क्रांति का संबंध भी किससे है? दलहन उत्पाद से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ग में। ठीक है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के 18 वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। आपको पता ही होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या होता है? कोई ना कोई इनर्ट गैस होता है या अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो देखिए अगर हम पहले आधुनिक आवर्त की बात करते हैं, पहले आवर्त की, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, दूसरे में है 8, तीसरे में कितना होता है? 8। फिर चौथे की अगर बात करते हैं तो 18, पांचवें में भी 18, छठे में 32 और सातवां में जितना भी शेष तत्व होगा जो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 6, क्योंकि यहां 32 पूछ रहा है, तो 32 किस में होता है? 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.46 × 10^15 मीटर। ठीक है, लेकिन दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ दे तब क्या होगा? तब आंसर हो जाएगा आपका पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितित ऊर्जा होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उठाया हुआ हथौड़ा। देखिए स्थितित ऊर्जा अगर हम की बात करें तो स्थितित ऊर्जा और ये मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर ही मिलता है, बनता है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? एक ऐसा एनर्जी मतलब द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जो उसके पोजिशन के कारण होगा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, और जो उसके मोशन के कारण होगा वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी बनेगा। चलती गोली यहाँ पे मोशन है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, बहने वाली हवा यहाँ भी मोशन है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर इसमें भी मोशन है तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, लेकिन एक उठाया हुआ हथौड़ा की बात करते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी स्थिति ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है?
तो देखिए अभी हम लोग पढ़ें, पहले तो ये समझ लीजिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाए तो उसके भार में कमी का आभास होगा, और भार में यह जो आभासी कमी होगा वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। यही तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो देखिए इस पे कौन नहीं काम करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर होता क्या है, ऑडोमीटर जनरली हमारे गाड़ियों में आगे लगा रहता है, जो कि क्या करता है, दूरी नापने का एक डिवाइस है जो दूरी नापता है। जनरली आप लोग बाइक वाइक में देखे होंगे आगे लगा रहता है ऑडोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह ब्लैंक से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए 28 और 6 यानी कितना 16, तो इस किससे संबंधित हो जाएगा, यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो किसी सेलों में या सबसेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजक ऊतक की बात करते हैं तो संयोजक ऊतक जो होता है वो विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है। ठीक है, तथा उनमें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजक ऊतक की बात करते हैं तो यह आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी हुई होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यह रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ब्लैंक हड्डियों को जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु बंध जो होता है वो हड्डियों को जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चला रहे हैं अभी बिहार एसआई मेंस के लिए, उसमें टोटल 21 सेट्स हैं जीएस का अवेलेबल, जिसमें आज हम लोग 15 सेट डिस्कस कर रहे हैं। अब 4-5 दिनों में, अभी इधर से एक दिन गैप हो गया था, वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन अब आज से आप लोगों को डेली बेस पे मतलब 10 बजे से पहले पहले आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो 4-5 दिन में मतलब इस सप्ताह में आप लोगों का जो होगा ये बुक खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो कौन से बुक से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए, कि किस बुक से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए, वो बुक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे इस बुक का प्रैक्टिस सेट चाहिए। जिस बुक का जितना ज़्यादा कमेंट होगा, सबसे ज़्यादा जिस बुक का कमेंट होगा उसी बुक का प्रैक्टिस सेट इस बुक के बाद स्टार्ट करवाया जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। 44 कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। देखिए जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो होता क्या है कि अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, उसका गति कम हो जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप लोग पढ़े होंगे जब पढ़े होंगे लाइट, तो कि जैसे जैसे आप अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होगी वो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्मा क्षेपी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ठीक है, अगर कोई भी अम्ल को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया होती है, और जिसमें क्या होता है, उष्मा जो होता है वो बहुत अधिक रूप में बाहर आता है। दो आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन, एक पढ़े होंगे इंडोथर्मिक और एक पढ़े होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक में उष्मा निकलता है, एक में उष्मा अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो उष्मा क्षेपी रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, उसमें बंधनों का निर्माण होता है, और जो उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है उसमें बंधनों का क्या होता है, टूटना होता है, बंधन क्या होता है, टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि होता है, तो वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब ms^2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच, तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तब दांतों का टूटना शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दांतों से याद रखिएगा जो दांत होता है वो इनामेल कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, जो कि शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो देखिए, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का क्या होता है, सी ए होता है। कार्बन की अगर बात करते हैं तो सी होता है। तांबा की बात करते हैं तो सी यू होता है। और क्लोरीन की बात करते हैं तो सी एल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा कार्बन, वो हमारा सही आंसर होगा। यहाँ से नेमिंग से एक चीज़ याद रखिएगा कि एक बर्जीलियस आप लोगों को नाम याद होगा, यही जो थे वो तत्वों के संकेत इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था, उसका हरिपुरा गुजरात में ही है, तो इसका जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। और ये कांग्रेस का कौन सा था, 52वां अधिवेशन था। और फिर 53वां अधिवेशन भी जो था वो 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और इसी में कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस ही बने थे किसको हरा के, पटाभी सीतारमैया को हरा के। और पटाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और उनके पराजय के बाद गांधी जी ने ही कहा था कि पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ये एक्चुअली चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप में क्या है, एक छोटा कस्बा है, वहाँ क्या किया गया था कि पुलिस स्टेशन में पुलिस को अंदर बंद करके आग लगा दिया गया था, उसी को चौरी चौरा कांड कहा गया था। पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था जिसमें 21 जो था वो सिपाही और एक थानेदार, मतलब माना जाता है ऐसे कि 22 लोगों का मौत हो गया था। ठीक है। और फिर इसी घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, चितरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देशबंधु का मतलब क्या होता है, देशबंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है। और देश चितरंजन दास से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जनरली एक मोहन जोदड़ो से एक प्राप्त एक सील हुआ था जिसमें क्या था, तीन मुख वाला था और एक पुरुष क्या था, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उस पुरुष के सिर पर तीन सिंह थे और उस पुरुष के बाईं ओर एक गेंडा और फिर एक भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एक बाघ ये चरण में दो हिरण थे। और इसे ही क्या किया गया, इसे फिर पशुपति शिव का रूप माना गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन विद्वान था। तो हेमचंद्र जो था वो जैन विद्वान था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है। हेमचंद्र से एक चीज़ याद रखिएगा कि हेमचंद्र जो था वो गुजरात के चालुक शासकों जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में रहता था। ठीक है। और मतलब कुमारपाल को ऐसा माना जाता है कि कुमारपाल को अगर कोई जैन धर्म में दीक्षित किया है तो उसका श्रेय इसी हेमचंद्र को ही जाता है। ठीक है। हेमचंद्र से एक चीज याद रखिएगा कि इसने एक रचना भी किया था कुमारपाल चरित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1775 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि हिटलर के किस देश के आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो हिटलर पोलैंड पे आक्रमण किया था कब, 1 सितंबर 1939 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलैंड। हिटलर क्या हुआ था कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था और फिर 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और फिर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में याद रखिएगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिमाण था। तो संयुक्त राष्ट्र किसका परिमाण था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 193 मेंबर कंट्री हैं और सबसे लास्ट जो मेंबर कंट्री ऐड हुआ है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसे याद रखिएगा कि जो दक्षिणी सूडान था वही क्या है, सबसे लास्ट का इसका मेंबर कंट्री जो ऐड हुआ है। ठीक है। दक्षिणी सूडान।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस वीडियो से मुझे कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा। देखिए, हम आप लोगों के लिए एक घंटा का वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरे सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप एक मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट टाइम लगेगा, आधा मिनट टाइम निकाल के आप लोग कमेंट करके तो एटलीस्ट बता ही सकते हैं कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। हो सकता है कि अगर आप लोगों को कुछ और इस वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के पर्सनली सारे कमेंट्स को देखता हूँ, तो उसे आप लोगों को भी अच्छा फील होगा और मुझे भी अच्छा फील होगा। इसलिए प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जैसा भी इस वीडियो के बारे में रिस्पॉन्स लगता है एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1916, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब साबरमती आश्रम से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके निर्माण में आर्थिक सहयोग किसने दिया था। तो एक अंबालाल साराभाई और बेनूभाई, ये दोनों आर्थिक सहयोग दिए थे साबरमती आश्रम बनाने में, और फिर इसी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरद्वाल के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और कहाँ लाला हरद्वाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाएगा आंसर सोहन सिंह भखाना, और प्रथम मंत्री थे लाला हरद्वाल, और प्रथम कोषाध्यक्ष थे काशीराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है, सोमदेव को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, जिसमें 10वां मंडल किससे है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरसी मजुमदार। ठीक है, आरसी मजुमदार की एक पुस्तक आई थी ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड इंडियन रेजिनेंस पार्ट 1, इसी में उन्होंने स्पष्ट किया था ये चीज कि जो 1857 के आंदोलन की प्रकृति है ये ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अगर हम बात यहाँ पे SB चौधरी यानी शशिभूषण चौधरी की बात करते हैं, तो इनकी एक पुस्तक रिलीज हुई थी सिविल रेबिलियशन इन इंडियन यूनिटीज। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था कि ये सैनिक व असैनिक विद्रोहों का समीन आश्रम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और अगर टीआर होम्स की बात करते हैं तो टीआर होम्स क्या है, एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसने ये लिखा था 1857 के बारे में कि इस बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध हुआ था 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए, भारत से नहीं गुजरता है, चीन से नहीं गुजरता है, अरब से नहीं गुजरता है, तो अफ्रीका इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, अफ्रीका से अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महादेश की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महादेश जो है वो संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकरवृत्त तीनों गुजरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन कौन से हैं। तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है। तो नाइट्रोजन है, कितना, 78%। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, उसके बाद आर्गन है 0.93%, ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है वो भील है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। लेकिन गोंड, थारू और संथाल भी प्रचुर मात्रा में, मतलब काफ़ी अमाउंट में है भारत में, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो बड़ोदरा जो कि गुजरात में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का अगर पूछे तो रिलायंस ग्रुप का जो जामनगर तेल शोधक कारखाना है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। समताप मंडल से याद रखिएगा कि समताप मंडल में जो मौसम होता है वो शांत रहता है। ओजोन परत से याद रखिएगा कि ये जो है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी पराबैंगनी किरणें का अवशेषण कर लेता है, तो ये अभी हमने देखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। अब ओजोन को इसीलिए क्या बोला जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। ओजोन को अगर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो वो है क्या, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो NH2 जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर NH4 की बात करते हैं तो NH4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, और NH6 की अगर बात करते हैं तो ये कोलकाता को हजीरा जो कि गुजरात में है उसको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फ्रांस में स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1789 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 1789 के फ्रांसीसी राजक्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था, और फ्रांस की राजक्रांति के समय किसका शासनकाल चल रहा था, लुई 16वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो देखिए वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, कितना अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के आह्वान पर ही लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो अध्यक्षता पूछेगा तब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा आहूत किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं, तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, एक है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज से याद रखिएगा कि जो 73वां संविधान संशोधन था इसी के द्वारा ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के पारित किए जाने का कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि पंचायती राज को बल प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है, और संविधान के भाग 9 के क में पंचायती राज व्यवस्था के रख को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पंचायती राज से आप लोगों को पता ही होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए तारांकित प्रश्न जो होता है वो मौखिक पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी क्या होता है, तत्काल दिया जाता है। ठीक है, और अतारांकित प्रश्न जो होता है वो लिखित रूप से पूछा जाता है, और इसका उत्तर भी लिखित रूप से ही दिया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है। देखिए हम लोग 3 सुने होंगे, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका को सत्ता के 3 पृथक केंद्र माना जाता है जो अपने सीमा में रहकर कार्य करती है। ठीक है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता को किया जाता है। मतलब चौथी सत्ता का जो शब्द का प्रयोग है वो जनरली प्रेस और समाचार पत्रों और अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उसके अंतर्गत रखा गया है, तो चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किया जाता है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो इसका अलग से हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19A के तहत जो हमारा वाक स्वतंत्रता है इसी के साथ इसको जोड़कर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या कि जो अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। देखिए अगर हम बात लोकतंत्र की करते हैं तो इसमें 2 तरह का चुनाव होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के जाना, और अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाना। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और सीएसओ की स्थापना कब 1951 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम की, तो भारत स्वतंत्र भारत में अगर प्रथम राष्ट्रीय आय समिति की बात करते हैं तो इसका गठन 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो किसी देश में उत्पादित अगर संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य की बात करते हैं तो उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए इसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। मतलब जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या आता है? जीडीपी के अंतर्गत किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का योग जो होता है वो जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अगर हम जीडीपी में, देखिए ध्यान से समझिएगा ये थोड़ा सा, जीडीपी में अगर हम यहाँ पे एक्स जोड़ दें और एम माइनस कर दें, एक्स क्या होता है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित किया हुआ है और एम होता है विदेशियों द्वारा अर्जित आय जो हमारे भारत में है, तो इसमें एक्स जोड़ के और एम घटा देते हैं जीडीपी में, तब निकल जाता है जीएनपी, ठीक है। और इस जीएनपी में अगर हम डिफ्रेंसिएशन को घटा देते हैं, मतलब मूल हास को घटा देते हैं, तब निकल जाता है एनएनपी। ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब ही होता है कि मुद्रा की कीमत वस्तुओं के अनुपात में कम होना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मुद्रास्फीति जो है वो कोई भी राज्य के लिए अगर बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो रहा है तो वो बहुत ही घातक साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। महात्मा गांधी कब जब दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे, एक अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी था उसी का केस लड़ने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो था वो 776 ईसा पूर्व ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये जो सीरीज चलाया जा रहा होगा वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अटेम्प्ट पहले कीजिएगा और फिर आप कमेंट में मुझे मार्क्स बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। साथ ही साथ ये टेस्ट जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो चलाया जा रहा है ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 5 या 6 दिन में रेगुलर खत्म हो जाएगा। अभी एक दो दिन कुछ कारण बस गैप हो गया, वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और 5 से 6 दिनों में ये बुक खत्म हो जाएगा। और अभी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 आया नहीं है मार्केट में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन से बुक नेक्स्ट बुक को चाहते हैं जिसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।